Minecraft Hardcore Episode 1। मैं अपने हार्डकोर वर्ल्ड में स्पॉन हो चुका हूँ और यहाँ आप देख सकते हो मुझे एक ट्री दिख रहा है जिसे कि मैं अब तोड़ लेता हूँ, क्योंकि हार्डकोर है तो यह कभी भी रात हो जाएगी और रात होने के बाद मुझे जॉम्बीज आराम से मार देंगे, आराम से नहीं मार पाएंगे, उन्हें भी थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन तब पर भी अपनी सेफ्टी होती है अपने हाथ में, इसलिए जल्दी से मुझे वुड तोड़ लेना है। ये हार्डकोर है इसलिए मुझे अब कुछ खाने पीने का इंतजाम करके रखना होगा। ओह माय गॉड, वाओ, मैं अब थोड़े से और वुड कलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं तो मुझे आगे जाकर के प्रॉब्लम आएगी, मैं बार बार वुड तोड़ने नहीं आने वाला। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। चुप। अरे डॉगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने को, अरे कहाँ से तेरे को हड्डी दूंगा, चलो जाओ यहाँ से, अरे जाओ, अरे जाओ यार, अरे हटो, खत्म। गाइस, मैं इस जंगल में घूम घूम के बोर हो चुका हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, पर तुम लोगों को समझना चाहिए, नीचे लाइक का बटन है उसे दबाओ और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज वी आर वेरी रीच टू कम्प्लीट 400 सब्सक्राइबर, तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से दबा लो। गाइस, घूमते घूमते फाइनली मुझे एक विलेज मिल चुका है और मैं जल्दी से इसे लूट लेता हूँ। गाइज, मैं विलेज को पूरी तरह से लूट चुका हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ कि विलेज के बगल में ही सेटल हो जाने का, तो यहाँ पर मैं अपने सॉवल को यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा। इस जगह पे क्राफ्टिंग टेबल लगा लेते हैं और यहीं पे इसी के बगल में एक बेड मुझे लगा लेना है, तो यहाँ पर मैंने एक बेड क्राफ्ट कर लिया और इसे अब साइड में लगा लेना है, अब यहीं पे मुझे घर भी बना लेना है। अभी तो गाइस मुझे एक डर्ट का ही घर बनाना है, बट अगर मैं फ्यूचर तक जिंदा बचा तो फिर इसको एक्सपेंड करेंगे स्टोन से, तब तक के लिए तो डर्ट का ही सही रहेगा। गाइस, अब शाम होने लगी तो मुझे अब सो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी स्वॉर्ड वगैरह नहीं है जिससे कि मैं जॉम्बीज से फाइट कर सकूं, तो मैं सो चुका हूँ और अब ये डे टू का स्टार्टिंग हो गया, सॉरी डे वन कंप्लीट हुआ। बॉय गाइस, अब मुझे एक वुडन पिकैक्स क्राफ्ट कर लेना है और उसके बाद मुझे फिर माइनिंग के लिए जाना है, और माइनिंग के टाइम मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे वुडन पिकैक्स से थोड़ा सा ही माइन करना है, क्योंकि मुझे अभी स्टोन का भी पिकैक्स बना लेना है। और यहाँ पे मुझे माइनिंग करते करते फाइनली मिल चुका है कोल,
तो अब मुझे टॉर्च बनाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मैं अब जल्दी से टॉर्च बना लूँगा। गाइस अब मैं काफ़ी ज़्यादा डीप माइनिंग करने वाला हूँ और अब आप देखना है कि मैं क्या क्या ढूंढ पाता हूँ। मेरा तो टारगेट रहेगा कि डायमंड ढूंढ लेना, बट देखते हैं क्या होता है। सो गाइस फाइनली मुझे अपना पहला आयरन मिल चुका है उतनी देर माइनिंग करने के बाद, और अभी से हम जल्दी से तोड़ के आयरन का पिकैक्स और स्वॉर्ड बना लेते हैं। गाइज मुझे डायमंड तो नहीं मिला, बट मैं काफ़ी ज़्यादा देर से माइनिंग कर रहा था और अब मुझे लगता है कि एक बार ऊपर जा कर के देख लेना चाहिए क्या हालचाल है ऊपर का। और सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ मैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नीचे तक माइन कर लिया था, और ऊपर देख के तो लग रहा है अभी तक रात ही है, पर तब भी देख लेते हैं क्या हो रहा है ऊपर। अगर हो पाएगा तो हम लोग अभी ही सो जाएंगे क्योंकि रात भर मैंने सोया नहीं और अब सुबह लगभग होने वाली है। और यार इस सर्वाइवल सीरीज़ में मुझे मतलब मरना नहीं है यार इस बार बहुत देर तक। ओ भाई यार मतलब जॉम्बी गोल्डन आर्मर पहन के आ रहा है भाई, मतलब कितने ही पावरफुल हो रखे हैं ये भाई। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नीचे अब जाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग मेरे पीछे तो करेंगे ही, क्योंकि जो हार्डकोर वाले जॉम्बीज होते हैं ना वो थोड़े ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनको वो थोड़ा ज़्यादा डैमेज देता है। और ऊपर एक क्रीपर भी मेरा पीछा कर रहा है, मतलब आ जा भाई तुझे भी देख लेता हूँ। आ जा आ जा ले ले, एक शॉट ले लिया और एक और शॉट एक और शॉट। ओ फूट गया भाई ये, यहीं पे फूट गया, मतलब यहाँ पर फिर से मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। एक ब्लॉक डर्ट का मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, यहाँ पर सही रहेगा मतलब। और अब मैं देखता हूँ ऊपर क्या हाल है भाई। सुबह हो चुकी है यार, अब जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि मुझे थोड़ा सा घर भी कंस्ट्रक्ट करना है और आगे का भी फिर बहुत कुछ हमें करना है इस सीरीज़ में। गाइज मैं फिर से विलेज की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जंगल से वुड कलेक्ट करना है, मुझे एक डोर बनाना है। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, मुझे वुड कलेक्ट करना है। और वुड के पीछे यार एक मुझे फार्म दिख रहा है जो कि वीट फार्म है, तो अब मुझे यानी फार्म भी बनाना नहीं पड़ेगा, मैं इसी वीट फार्म में अपना काम चला लिया करूँगा। और यहाँ पर मेरे हाथ में सीड देख करके ये मुर्गी आ गई है मेरे पास, तो इसे मैं खिला करके मार के अपना खाना बना लेता हूँ। और गाइस यहाँ पर मैंने अपना गेट भी लगा लिया है तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताओ मुझे। I'm gonna tell you what
ओके गाइस, तो हमने अपना घर भी लगभग थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया है और वीडियो यार अब यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ एपिसोड 1। एपिसोड 2 देखने के लिए वीडियो में लाइक करो। जैसे ही यार 30 एपिसोड में मतलब इस एपिसोड में 30 लाइक्स आ जाएंगे ना, तो मैं एपिसोड 2 तुरंत ही लॉन्च कर दूँगा। तो जल्दी से 30 लाइक कर दो भाई, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।